से भारत के लिए उड़े रफाल विमान। तो रफाल विमान ने उड़ान भर ली है फ्रांस से भारत के लिए। 5 रफाल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी है। बुधवार को भारत पहुंचेंगे 5 रफाल विमान। तो अभी जिस खबर का इंतजार हो रहा था थोड़ी देर पहले की हमने तस्वीरें आपको सबसे पहले जी न्यूज़ पर दिखाई थी, जब रफाल विमान उड़ान भरने के लिए फ्रांस में तैयार थे, वहां के एयरबेस पर थे, लेकिन अब वहां से उड़ान भर चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि भारत के जो फाइटर पायलट्स हैं वो इन विमानों को उड़ाकर भारत लेकर आ रहे हैं। तो फ्रांस से भारत के लिए उड़ चुके हैं रफाल विमान और 5 संख्या है इनकी, 5 रफाल विमान जो कि भारत आ रहे हैं, उड़ान भर चुके हैं। और अब इन्हें 2 दिनों का वक्त यहां पर लगेगा, क्योंकि बुधवार को, आज सोमवार है, और उसके बाद परसों बुधवार को भारत पहुंचेंगे 5 रफाल विमान। और उसके बाद उस ताकत का एहसास आपको होगा, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे हम। लेकिन पहली ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए जी न्यूज़ पर, हम जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये भारत के रफाल की हैं। जी हाँ, ये भारत का रफाल है, ये भारत की शक्ति है, ये नई ताकत है भारतीय वायुसेना की। और इन तस्वीरों जो ये तस्वीरें हैं ये तब की हैं जब उड़ान भरने के लिए तैयार थे, भारतीय पायलट्स वहां पर मौजूद थे। और अब चूंकि उड़ान भरी जा चुकी है, यानी कि वो सफर अब शुरू हो चुका है, जो भारत पहुंचेगा बुधवार को, ये 5 रफाल विमान, उस सफर की शुरुआत अब हो चुकी है। परसों यानी बुधवार वो दिन होगा जब भारत की सरजमी पर लैंड करेंगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, रफाल विमान उड़ान भरते हुए, 5 रफाल विमान उड़ान भर रहे हैं इस वक्त। ये धरती फ्रांस की है, लेकिन भारत का रफाल फ्रांस की धरती से अब उड़ चुका है। बहुत ही शानदार ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये क्यों अहम हो जाती हैं। और जब ये भारत की सरजमी पर लैंड करेंगे ये 5 रफाल विमान, तब वो जो तस्वीरें होंगी वो भी आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल जी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, ये बेहद खास तस्वीरें हर लिहाज से हो जाती हैं, भारत की शक्ति से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, वायुसेना की शक्ति से जुड़ी ये महत्वपूर्ण तस्वीरें। रफाल विमान है, एक लंबी दूरी तय करके ये परसों यानी के बुधवार 29 तारीख को ये पहुंचेगा भारत। 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पहुंचेगा। रवि मेरे साथ बने हुए, रवि हम शानदार तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं, क्योंकि ये भारत का विमान है, ये भारत का रफाल है जो पहुंचेगा परसों भारत की सरजमी पर। बिल्कुल, देखिए जिस विवाद के दौर में हम गुजर रहे हैं, चीन से जिस लड़ाई के दौर में गुजर रहे हैं, उस दौर में इन रफाल विमानों का आना कहीं ना कहीं भारतीय सेना का हौसला बुलंद करेगा और भारत के नागरिकों का भी हौसला बुलंद करेगा। जब आप बात कर रही थी और जब प्लेन के शॉट्स की आवाज़ आ रहे थे कान में, तो ऐसा लग रहा था कि एक तसल्ली सी, जब आप 15 अगस्त को जहाज़ों की आवाज़ सुनते हैं और आपको तसल्ली आता, मज़ा आता, उस तरह की चीज़ें तो आपको जहन में आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बुधवार को ये अम्बाला एयरबेस पर आएंगे और 36 विमानों का करार है, 5 पहले विमान आ रहे पहले खेप में, ये वाकई एक बड़ी तसल्ली है, बड़ी सफलता है और इस दौर में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि चीन से जिस विवाद के दौर से आप गुजर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि तमाम सारे मिसाइलों से लैस होगा ये रफाल। तो ऐसी स्थिति में रफाल को लेकर जो राजनीति करने वाले थे, जो लोग, आपको याद हो कि 2019 के चुनाव में कितने लोग विघ्न डालने वाले थे, कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए थे, उन सबके मुँह पर एक तमाचा भी होगा। और साथ साथ ये चीन को लेकर, चीन को एक चुनौती है, चीन पर कह रहे हैं ना कि एक गर्जना सुकून दे रही है कि चलिए अब वो सफर शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत लोगों की, बहुत ऐसे दुश्मन देशों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही होंगी ये गर्जना। जी बिल्कुल, देखिए रफाल के बारे में जो जानते हैं दुनिया में, इसका जवाब नहीं है और तमाम सारी मिसाइलों से लैस होगा, क्योंकि आपको याद हो कि इसको लेकर कहा जा रहा था कि आखिर इतनी कीमत इसकी क्यों बढ़ी, और उसके बारे में बाद में बताया गया था अनऑफिशियली कि चूंकि इसमें तमाम सारी सुविधाएं आप लेकर आ रहे हैं,
केवल रफाल विमान प्लेन नहीं आ रहे, इसमें तमाम और मिसाइलें जो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तमाम जो बंकर्स को कैसे नष्ट करेगा उसके विजुअल दिखाए गए थे जो इसके पहले कई देशों में जहां इस्तेमाल हुआ है इसका। तो रफाल एक बड़ी चुनौती थी कि रफाल कब आएगा अपने पास, लेकिन इस दौर में मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाइना से जो आज की डेट में स्थिति है, जो तनाव का दौर चल रहा है, तो चाइना को सबसे बड़ी चिंता होगी, सबसे ज़्यादा चिंतित चीन होगा, पाकिस्तान होगा, और तमाम वो देश जो हमारे देश के खिलाफ गलत निगाह से सोचते हैं, जो देखते हैं, उन सबके लिए एक चिंता की लकीरें उन पर छिप गई है। अब जो है रफाल भारत के पास है, और अब भारत को चुनौती देना मुश्किल है कि भारत के पास ये विमान जो है तमाम कहा जाए तो उससे लैस होगा, और ये कहीं ना कहीं तमाम बंकर्स को नष्ट करने में और तमाम सारे चुनौतियों को का सामना करने में कामयाब रहेगा। तो इस लिहाज से माना जाए तो रफाल एक बड़ी सफलता है, सेना का भी हौसला बुलंद होगा, और भारत के जो तमाम नागरिक हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है आज की डेट में। और रवि, ये तस्वीरें उन लोगों को भी आज देखनी चाहिए जिन्होंने रफाल को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के दायरे में सिमेट कर रख दिया था, एक लंबे विवाद में उसे घिरा रहने दिया गया, एक लंबा इंतजार कराया चूंकि सेना को जरूरत थी, लेकिन आज वो पूरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि 2019 के चुनाव में अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बनाया गया था, और इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर चोर होने का आरोप लगाया, चौकीदार चोर होने तक का नारा लगाया गया, और कांग्रेस की तरफ से तमाम राहुल गांधी आज चीन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, आज भी उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है, आज भी उनको कहीं ना कहीं भारत की सरकार पर शंका है, भारत की सरकार के कामकाज पर शंका है। रफाल को लेकर इस डील को कैसे खत्म किया जाए, डील कैसे रद्द हो, इसको लेकर तमाम कोशिशें की गई, पार्लियामेंट में लंबी बहस चली, उसके बावजूद तमाम फर्जी लेटर दिए गए बताए गए, गोवा में जो कैबिनेट हुई थी उसके बारे में जो फर्जी एक ऑडियो जारी किया गया, उस समय के जो रक्षा मंत्री थे उनको लेकर तमाम सारी बातें उस समय की गई इस डील को रोकने के लिए, रफाल को रोकने के लिए। दुनिया तो चीन तो शायद हो, चीन और पाकिस्तान तो बाद में कोशिश कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा कोशिश भारत में हो रही थी उस समय राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोशिश कहां कहां से हो रही थी। जी न्यूज ने ये भी दिखाया था जब इन जो ताकतें थी जो इस रफाल को उड़ान भरने से रोक रही थी, वो ताकतें कौन कौन सी रही है पूरा देश जानता है, वो तस्वीरें भी हमने जी न्यूज़ पर दिखाई थी, लेकिन आज सिर्फ इन तस्वीरों की बात होगी क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खास हैं, बहुत अलग हैं, और ये भारत के पराक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। ये भारत का रफाल है जो उड़ान भर चुका है फ्रांस से, और अब ये भारत की सरजमीं पर लैंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंतजार बस अब बुधवार का है, 29 तारीख का है, जब वहां से उड़ान भर चुके रफाल विमान हमारी सरजमीं पर होंगे और उस ताकत का एहसास कराएंगे। गर्जना आपने सुनी, ये भारत के पराक्रम की वो बुलंद आवाज थी। जब ये बुलंद आवाज जो भी सुन रहा होगा इस वक्त, जो इन तस्वीरों को देख रहा होगा, वो समझ सकता है कि आखिर ये नई शक्ति है भारत का, ये नया पराक्रम है। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये देश के पराक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, देश की सैन्य शक्ति से जुड़ी तस्वीरें हैं जिन्हें आपको भी देखना और साथ ही समझना चाहिए। जी न्यूज हर जानकारी आपको इस विमान से और इस भारत के रफाल पराक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है और ये तस्वीरें क्यों खास हो जाती हैं आज के इस मौजूदा
परिस्थितियों में। और साथ ही इन तस्वीरों पर हम आगे बात भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ ही पर। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.